नमस्कार फरीदाबाद, हम देख सकते हैं सामने बहुत भीड़ लगी है। बता दें आपको माजरा क्या है। शहर में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। लोग स्मार्ट मीटरों का विरोध कर रहे हैं और यहां पर हंगामा हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने पब्लिक की बात की है। पहली बात, दो चीजें हो सकती है, तो मैंडेटरी है तो हरियाणा सरकार का पन्ना दिखाओ जिसके ऊपर लिखा हो कि भाई सबने चेंज करना है। दूसरी चीज, करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ, ऑप्शनल होगा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हिमांशु भैया, अब आप हमारा पेन समझिए, यहाँ पे हो क्या रहा है। हम इनसे 5 घंटे हो गए पूछ रहे हैं कि आप हमारे को मैंडेटरी वाला पन्ना दिखाओ, इनके पास वो नहीं आया। ठीक है जी, व्हाट्सएप पे आ सकता था, कहीं ना कहीं से नहीं आया। दूसरी चीज, अब पूछने वाला तो सोता ही नहीं है। ये जिसका मीटर है उनको पैरालिसिस हुआ पड़ा है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है मीटर चेंज हुआ। आंटी जी, आप बुजुर्ग आंटी को आगे करो, भैया गलत कर रहे हैं, तभी तो मैंने आपको आगे हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। ये रही बुजुर्ग आंटी, आंटी आपसे पूछा है आपका मीटर चेंज करें या ना करें। ये लो जी, अब बताओ सर क्या करें। थोड़ा सा मुझे तो बता दे। मसला ये है कि SHO साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, मीटर चेंज हो रहे हैं सुबह से। सबसे बड़ी बात तो 50 आदमी अलग अलग, यहाँ भाई साहब से हम 1 घंटा 2-3 घंटे हो गए पीछे डोम में बात कर रहे हो गए, तो पीछे से इशारा हो गया, सारी जगह मीटर चेंज करना शुरू कर दिए। अब हमें वहां भागना पड़ रहा है, SHO साहब ने आगे बड़ी अच्छी बात की, टेक्निकली बात जो पब्लिक कर रही है सुबह से, वो ये कर रही है कि अगर मीटर चेंज होने हैं तो कोई एक पेज होगा मैंडेटरी जिसमें हरियाणा सरकार ने लिख के दिया हो कि भैया ये मीटर चेंज होंगे, ये फिक्स है, तो वो पेज पब्लिक के सामने प्रेशर सामने दिखाओ। दूसरी चीज, अगर ये पेज नहीं है तो ये मेरी मर्जी है, मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं, उसके लिए आप मेरे घर से पूछोगे। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बुजुर्ग अंदर घर में सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं उनका मीटर चेंज हो गया है। ऊपर बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, पैरालिसिस है उनको, घर में और कोई है नहीं, उनको पता नहीं उनका मीटर चेंज हो गया। वो मीटर चेंज हो गया उनकी जानकारी के बिना हो गया। लोगों को बताओगे सही। यही दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज ही नहीं है, या तो मैंडेटरी है या फिर होगा या नहीं होगा। मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, करीब 15 दिन पहले हमने डबुआ में खबर चलाई थी, वहाँ पर जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के जो लोग आए थे उनका कहना था कि ये मीटर लगवाना ऑप्शनल है। बस मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, ये मीटर लगवाना ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल अगर आपके घर पे आ रहे हैं, SHO साहब के घर पे लगाने आ रहे हैं तो पूछेंगे तो सही। जरूरी, वो आंटी है नहीं घर पे, वो सो रही है, उनको पता ही नहीं उनका मीटर पीछे से चेंज हो गया। कितने मीटर अभी तक लग चुके हैं भाई साहब? पूरे टाउन में मीटर चेंज हो चुके हैं, पूरे बिना इन्फॉर्मेशन के। हमने यहाँ कैसे बात उठी है भाई साहब? मैं बताता हूँ आज कैसे उठी। हमारे पास तो लोग खुद आते नहीं, मेरे मीटर लगा दो सर, तो उनके लगाओ ना सर, जो लगाओ तो मना नहीं कर रहे, आपको मना नहीं कर रहे, आप लगाओ उनके। एक मिनट सर, आप में से कौन है जो मीटर लगवाना चाहता है? आप हो सरकारी, हमने मान लिया आपको SHO साहब है, आप मान लिया, हमने सब कुछ मान लिया, सब कुछ है। मैंने कहा हम सारी बात है ना घुमा के, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी SHO साहब। छोटी आपकी बात तो काट के बात करना चाहूंगा कि नॉर्मल सी शायद बात है, तो पुलिस का आना कहाँ तक क्या जाएगा, पुलिस को क्यों बुलाया? हमारे बंदे के साथ हाथापाई हुई है, हाथापाई हो गई, किसने कर दी भाई साहब? यही के लोगों ने करी है, वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख लेंगे। सीसीटीवी है, लेकिन क्या नाम है भाई साहब? सज्जन साहब जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा, मैं खुद
यहीं का ही रहने वाला हूँ, मुझे लगता नहीं यहाँ पर ऐसा कोई होगी, शायद किसी ने हाथा पड़ी वो तो सबूत होगा, सबूत होगा। एक मिनट साहब, मैंने तो नहीं की ना, मैंने तो आपने भी हाथ पकड़ने की कोशिश तो करी। एक बात सुनो, हम आपके साथ वही बात है, सर ने जो बात बोली है ना वही बात हम तो उस चीज पे एग्रीड है, हम इनकी बात पे एग्रीड है, 100% एग्रीड है। एंट्री का पर्चा दिखाओ या अपनी मर्जी के लिए हमसे पूछो, बस खत्म बात। ऐसा जो आप और देखो, जो बहुत मैच्योर वाली बात है, मैच्योरिटी वाली बात है, आपसे ये वाली बात होगी। मैंने क्या किया बात सर, हमने वैसे मैंडेटरी तो भी, तो एक बार पूछ तो लो लोगों से, हमने यही बोला इनसे, आप पूछो मैंडेटरी दिखाओ, पब्लिक से पूछो, अगर इंडस्ट्री का मतलब वेरीफाई तो करो कि एडियो साहब क्या ये जो मीटर लगाए जा रहे हैं ऑप्शनल है या सरकार की नीति है कि लगेंगे ही लगेंगे? ए टू जेड सारे बदलेंगे, पूरे इंडिया में बदले जा रहे हैं, आज निकल बदलेंगे, और बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे बदले जाएंगे। अच्छा, मेरा छोटा सा एक और सवाल है, अभी जो मीटर बदले जा रहे हैं, पहले वो चक्री वाले मीटर होते थे, उसके बाद डिजिटल मीटर आ गए, अब ये जो मीटर लग रहे हैं ये प्रीपेड मीटर है या अभी भी डिजिटल मीटर? इसके अंदर ऑप्शन है प्रीपेड कर लो या पोस्टपेड रख लो, एससीआरसी इसकी गाइडलाइन देती है, रेगुलेटरी जो कमीशन है वो देती है, वो ही बताएगी 2 रुपए की बिजली बेच में 3 की बेच में, सारी सारी इंस्ट्रक्शन वहां से आती है, हम कोई नहीं है इसमें, डीएचयू नहीं, एसडीओ कोई कुछ नहीं कर सकता। ईएएसएल के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, डीएचबी है ना, उसके साथ एग्रीमेंट करा, आप कहो तो मैं एग्रीमेंट की कॉपी भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर मैंडेटरी है और इसके अंदर सुविधा है, बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा है, बिल्कुल मैंडेटरी है, इसके अंदर सुविधा है, सुविधा है कि आदमी प्रीपेड कर ले, पोस्टपेड कर ले, अपनी रीडिंग दे ली, जरा ओला ऊपर बुक करते हैं फोन से, अपने चेक कर ले मेरी रीडिंग कितनी, आज कितनी हुई, कल कितनी हुई, और मेरे पास तो खुद लोग मैं एक बात आपकी काट के एक बात सवाल पूछना चाहूंगा, कई लोगों का ये कहना है कि अभी जो है बिल आएंगे और कुछ समय बाद प्रीपेड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली 2-3 दिन, ऐसा बिल्कुल 3 महीने बिल्कुल नहीं, ऑप्शनल है, ऐसा नहीं ऑप्शनल है, जो अगर प्रीपेड करवाना चाहेगा उसको 5% का डिस्काउंट दे रखा है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी वापस एडजस्टमेंट के ऑप्शन भी है। लेकिन आपने ऑप्शनल कहा है तो लोगों के जो आरोप आ रहे हैं कि जबरदस्ती ऑप्शनल, जरा दोनों बातों को कंफ्यूज मत हो, ऑप्शनल क्या है, प्रीपेड रखना है या पोस्टपेड रखना है, वो ऑप्शनल है, इसके लिए जो मीटर जो है, मीटर चेंज इज नॉट ऑप्शनल, मीटर चेंज इज नॉट, मीटर चेंज तो होंगे ही सबके, भाई देखो चोर आदमी को डरेगा, 100 बार डरेगा, चोर के लिए तो बिल्कुल बेकार है मीटर, खुल के कहता हूँ मैं, चोर के लिए बिल्कुल, जो जिन्हें गड़बड़ करनी है उसके लिए तो बेकार मीटर, ईमानदार आदमी के लिए बिल्कुल सही मीटर, एकदम फर्स्ट क्लास, एक मिनट मेरे को कम्प्लीट कर, अपने सरदार जी आए थे बोला ये मीटर फास्ट चलता है, मैंने कहा जी किसी भी मीटर को, कोई सा मीटर छाट लो, दोनों को इकट्ठा साथ में लगा देता हूँ, ठीक है, और दोनों की रीडिंग लिख लो, आज लिख लो, कल लिख लो, वो भी नहीं लगाने दिया, उसके बाद यहाँ पे दूसरा हमारा काम चल रहा था, यहाँ पे हमारे कुछ मतलब फिर हाथापाई हुई है।